हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस ट्रेन को हम कवर कर रहे हैं उसका नंबर है 14512 नौचंदी एक्सप्रेस। आइए देखते हैं मेरठ सिटी पे इसका अराइवल। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे शालीमार एक्सप्रेस खड़ी है जो जैसलमेर से जम्मू तवी के बीच में चलती है। अभी अभी उसका अराइवल हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मेरठ सिटी में। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करी हुई है, अगर आपको वो देखनी हो तो आप चेक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नौचंदी एक्सप्रेस की जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है मेरठ सिटी के। शालीमार एक्सप्रेस का डिपार्चर सिग्नल देते हुए गार्ड। नौचंदी एक्सप्रेस एक डेली ट्रेन है जो हफ्ते में 7 दिन चलती है सहारनपुर और प्रयागराज के बीच में। गाजियाबाद शहर का WAP-5 लगता है नौचंदी एक्सप्रेस में। ICF कैटेगरी की ट्रेन है। आइए बात करते हैं कौन कौन से स्टेशन पर रुकती है नौचंदी एक्सप्रेस। ये ट्रेन डेली सहारनपुर जंक्शन से 5:45 पर निकलती है। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप देवबंद है जहाँ पे 6:19 पर पहुँचती है। 6:36 पर ट्रेन मुजफ्फरनगर पहुँचती है। शाम को 7 खतौली। शाम को 7:28 पर मेरठ कैंट। 7:45 पर मेरठ सिटी। 8:40 पर ट्रेन हापुड़ पहुंचती है। 9:08 पर गढ़ मुक्तेश्वर। 9:33 पर ट्रेन गजरौला जंक्शन पहुंचती है। रात को 9:53 पर ट्रेन अमरोहा पहुंचती है। उसके बाद ट्रेन का अगला स्टॉप मुरादाबाद जंक्शन है रात को 10:55 पे। 12:07 पर रामपुर। रात को 1:05 पर बरेली। 2:12 रात को सहारनपुर। रात को 3 ट्रेन हरदोई पहुंचती है। 3:33 पर बालामाऊ। ट्रेन का अगला स्टॉप संडीला है जहां पर ट्रेन रात को 3:53 पर पहुंचती है। ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट लखनऊ चारबाग है जहां ट्रेन सुबह 5 पहुंचती है और 10 रुकती है। ट्रेन का अगला हॉल्ट बच्चरवा जंक्शन है जो ट्रेन 5:55 पर पहुंचती है। सुबह 6:25 पर रायबरेली। 6:48 पर लक्ष्मणपुर। 7:02 पर उंचाहार जंक्शन पहुंचती है ट्रेन। 7:31 पर कलाकंकर रोड। 7:40 पर घड़ी मानिकपुर। 7:51 पर ट्रेन हरनामगंज पहुंचती है। सुबह 8:06 पर लाल गोपालगंज। 8:29 पे हपामाऊ जंक्शन पहुंचती है ट्रेन। ट्रेन का सेकंड लास्ट हॉल्ट प्रयाग जंक्शन। ट्रेन सुबह 8:46 पर पहुंचती है। उसके बाद ट्रेन अपनी जर्नी को ख़त्म करती है प्रयागराज संगम स्टेशन पर 9:20 पर सुबह। यहाँ तक ट्रेन 770 किलोमीटर की जर्नी कवर कर चुकी होती है। स्टेशन्स की बात की जाए तो 29 स्टेशन्स पर ट्रेन रुकती है। 15 घंटे और 35 मिनट लेती है अपनी जर्नी के दौरान नौचंदी एक्सप्रेस। ट्रेन को सबसे लंबा हॉल्ट हापुड़ पे दिया गया है जो कि 10 का है। सब
ट्रेन का फर्स्ट रन 24 अप्रैल 1984 को हुआ था। काफ़ी पुरानी और ऐतिहासिक ट्रेन है इस रूट की नौचंदी एक्सप्रेस, जो अपनी सर्विस इंडियन रेलवेज़ में काफ़ी सालों से दे रही है। ट्रेन में कोई पेंट्री कार नहीं है, हालांकि कैटरिंग की फैसिलिटी ज़रूर आपको ट्रेन में देखने को मिलेगी। ट्रेन की कोई रेक शेयरिंग भी नहीं है किसी दूसरी ट्रेन के साथ। ICF कैटेगरी की ट्रेन है, अभी इसको LHB कोचेस नहीं मिले हैं। नॉर्दर्न जोन इसको ऑपरेट करता है। एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है नौचंदी एक्सप्रेस। 770 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 15 घंटे 35 मिनट पे। एवरेज स्पीड 49 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है ट्रेन की। आइए बात करते हैं ट्रेन के किराए की। सहारनपुर और प्रयागराज के बीच में ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर सभी कोचेज लगाए गए हैं। अगर बात करें स्लीपर के किराए की तो किराया 405 रुपये है स्लीपर का। थर्ड एसी की बात की जाए तो 1100 रुपये, सेकंड एसी की बात की जाए तो 1575 रुपये और फर्स्ट एसी की बात की जाए तो 2640 रुपये रखा गया है सहारनपुर और प्रयागराज के बीच में। मैं ट्रेन का डिपार्चर मेरठ सिटी से कवर नहीं कर पाया था, ये वीडियो नेक्स्ट डे मैंने मेरठ कैंट से नौचंदी एक्सप्रेस को कवर किया फिर से, अराइवल और डिपार्चर। ट्रेन में 12 स्लीपर के कोचेज लगाए गए हैं, 5 जनरल के कोच लगाए गए हैं, 1 एसी थर्ड, 1 एसी फर्स्ट, 1 एसी सेकंड कम फर्स्ट। ट्रेन में स्लीपर के कोचेज की संख्या अच्छी खासी है। मेरठ के नौचंदी मंदिर पर इसका नाम रखा गया है ट्रेन का, नौचंदी एक्सप्रेस। पहले इस ट्रेन को प्रयागराज और मेरठ सिटी के बीच में चलाया गया था, बाद में इसको सहारनपुर तक एक्सटेंड कर दिया गया। मेरठ सिटी से सहारनपुर में, सहारनपुर तक इसके सिर्फ 5 ही कोच जाते थे ट्रेन के, बाकी कोच मेरठ सिटी पे निकल जाते थे। देखते हैं मेरठ कैंट से नौचंदी एक्सप्रेस का डिपार्चर। WAP 5 गाजियाबाद शेड का लखनऊ लगा हुआ है ट्रेन में। हाँ आ गया ना मेरठ, ये मेरठ ही है कैंट, मेरठ सिटी आगे। कैसी लगी दोस्तों आपको नौचंदी एक्सप्रेस की एक वीडियो, प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको और कोई ट्रेन की भी वीडियो देखनी हो तो
वो भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको भी कवर करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।